नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं। अब शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं ड्रेसलैंड राहुल नगर मड़िया आजमगढ़, जहां आपको मिल रही है सभी ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की भारी छूट। ऑफर सीमित समय तक, जल्द आए जल्द पाए। संपर्क करें इन नंबरों पर। आजमगढ़ के लालगंज चीज शिक्षा क्षेत्र ठेकवा के प्राथमिक विद्यालय भत्सारी में शैक्षिक उन्नयन कार्यशाला एवं TLM मेला एवं शिक्षक संकुल अभिभावकों की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता उपखंड शिक्षा अधिकारी विश्वजीत कुमार ने किया। उन्होंने बताया कि प्रेरक ब्लॉक बनाने के लिए समय सारणी का पालन, नियमित संकुल बैठक कर प्रत्येक माह DCF भरा जा रहा है और कार्य किया जा रहा है। बैठक में शिक्षा क्षेत्र ठेकवा के ARP शैलेंद्र कुमार उपाध्याय, पवन कुमार राय, मुन्नीलाल समेत शिक्षा क्षेत्र के समस्त शिक्षक संकुलों ने प्रतिभाग किया। बैठक में न्याय पंचायत अहरौली व गोमाड़ी के समस्त प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षा मित्रों ने भी प्रतिभाग किया एवं विद्यालयवार एवं विषयवार TLM मेला का आयोजन किया गया। बैठक में मिशन प्रेरणा माहवार के PI एवं DCF आकलन प्रपत्र, पाठ्य योजना एवं शिक्षण योजना, तीनों मॉड्यूल, शैक्षिक उन्नयन हेतु सुझाव जैसे बिंदु पर चर्चा एवं पर चर्चा की गई। विश्वजीत कुमार द्वारा कहा गया कि प्रेरक ब्लॉक बनाने के लिए समय सारणी का पालन, मिशन प्रणाली की सारी गतिविधि स्वयं रूप से चरणबद्ध तरीके के चलने के लिए ऊर्जावान अध्यापक तैयार हैं। जिस विद्यालय में कोई भी कमी है उसको चिन्हित कर सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक यशवंत सिंह, ग्राम प्रधान रमेश, सरोज, मनोज दुबे, सतीश राय सहित तमाम स्कूल संकुल शिक्षक व प्रधानाध्यापक उपस्थित रहे। इस बाबत क्या कुछ कहा विश्वजीत कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी ठेकवा ने, आपको सुनवाते हैं। आजमगढ़ के लालगंज चीज शिक्षा क्षेत्र ठेकवा के प्राथमिक विद्यालय भत्सारी में शैक्षिक उन्नयन कार्यशाला एवं TLM मेला एवं शिक्षक संकुल अभिभावकों की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता उपखंड शिक्षा अधिकारी विश्वजीत कुमार ने किया। उन्होंने बताया कि प्रेरक ब्लॉक बनाने के लिए समय सारणी का पालन, नियमित संकुल बैठक कर प्रत्येक माह DCF भरा जा रहा है और कार्य किया जा रहा है। बैठक में शिक्षा क्षेत्र ठेकवा के ARP शैलेंद्र कुमार उपाध्याय, पवन कुमार राय, मुन्नीलाल समेत शिक्षा क्षेत्र के समस्त शिक्षक संकुलों ने प्रतिभाग किया। बैठक में न्याय पंचायत अहरौली व गोमाड़ी के समस्त प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षा मित्रों ने भी प्रतिभाग किया एवं विद्यालयवार एवं विषयवार TLM मेला का आयोजन किया गया। बैठक में मिशन प्रेरणा माहवार के PI एवं DCF आकलन प्रपत्र, पाठ्य योजना एवं शिक्षण योजना, तीनों मॉड्यूल, शैक्षिक उन्नयन हेतु सुझाव जैसे बिंदु पर चर्चा एवं पर चर्चा की गई। विश्वजीत कुमार द्वारा कहा गया कि प्रेरक ब्लॉक बनाने के लिए समय सारणी का पालन, मिशन प्रणाली की सारी गतिविधि स्वयं रूप से चरणबद्ध तरीके के चलने के लिए ऊर्जावान अध्यापक तैयार हैं। जिस विद्यालय में कोई भी कमी है उसको चिन्हित कर सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक यशवंत सिंह, ग्राम प्रधान रमेश, सरोज, मनोज दुबे, सतीश राय सहित तमाम स्कूल संकुल शिक्षक व प्रधानाध्यापक उपस्थित रहे। इस बाबत क्या कुछ कहा विश्वजीत कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी ठेकवा ने, आपको सुनवाते हैं। आजमगढ़ के मेनगर के थाना परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस पर उप जिलाधिकारी प्रियंका प्रियदर्शनी व थाना प्रभारी प्रशांत श्रीवास्तव ने शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को ध्यानपूर्वक बारी बारी सुना। इस दौरान कुल राजस्व और पुलिस विभाग से संबंधित 14 शिकायती प्रार्थना पत्र पड़े, जिसमें 7 प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण हुआ। शेष प्रार्थना पत्रों को विभाग बार भेजते हुए राजस्व के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण के लिए अलग अलग तिथियों में टीम गठित की गई। इस मौके पर क्राइम प्रभारी राजेश मिश्र, उप निरीक्षक सुभाष तिवारी, उदय राज सिंह सहित राजस्व निरीक्षक व लेखपाल उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से बड़ी खबर है, जहां समाजवादी पार्टी की महिलाओं ने घेरा डालो कार्यक्रम के तहत आज नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया और प्रदेश में फिर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की शपथ ली। इस मौके पर वीरांगना के नाम से जानी जाने वाली सुनीता सिंह के नेतृत्व में महिलाओं का जोश देखने लायक था। सब सुनीता सिंह के नेतृत्व में महिलाओं का हुजूम जब कलेक्ट्रेट में पुलिस ऑफिस, नेहरू हॉल व अन्य जगहों पर प्रदर्शन कर रहा था, उस समय पुलिस के हाथ पांव फूल गए। प्रशासन को भी उम्मीद नहीं थी कि महिलाओं का प्रदर्शन इतना बड़ा होगा। पुलिस ने जब सुनीता सिंह को कहा कि आपको जेल भेज दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि हमें जेल जाने का डर नहीं है, आपकी जेल छोटी पड़ जाएगी। सुनीता सिंह के नेतृत्व में आजमगढ़ जनपद के 10 विधानसभा क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरोजिनी नायडू की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित कर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया तथा गोष्ठी में उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर चर्चा की गई। इस दौरान सुनीता सिंह ने कहा कि आज देश में आपातकाल है, महिलाओं को नायडू के विचारों व आदर्शों पर चलकर किसान व नौजवान व महिला विरोधी भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकना है। भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ज्ञात हो कि सुनीता सिंह 20 साल से पार्टी के लिए संघर्ष कर रही हैं।
घेरा डालो कार्यक्रम में खासकर फॉरवर्ड क्लास की संभ्रांत महिलाएं के साथ ही अन्य वर्ग की महिलाएं उपस्थित थी। प्रदर्शन में उर्मिला सिंह, माधुरी सिंह, सीमा सिंह, चंपा पांडे, मीरा पांडे, गायत्री मौर्य सहित हजारों महिलाओं का हुजूम मौजूद था। साथ ही आपको बता दें कि सपा जिला कार्यालय पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करने वालों में निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, महासचिव हरिप्रसाद दुबे, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत मीरा यादव, पूर्व अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ सुनीता सिंह, सिंध्या सिंह, सना परवीन, किरण श्रीवास्तव, सुनीता उपाध्याय, वीरेंद्र यादव, महेंद्र यादव, नीरज पांडे सहित तमाम लोग मौजूद थे। इस बाबत क्या कुछ कहा वरिष्ठ सपा नेत्री सुनीता सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए आज जो हमारे पूरे प्रदेश में हमारे समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर एक महान आत्मा की और शख्सियत की जो देश की हमारे उत्तर प्रदेश की प्रथम गवर्नर रही आदरणीय सरोजनी नायडो जी का जयंती हम लोग मना रहे हैं। मनाना इसलिए हम लोग को ज़रूरी था कि आज जो हमारी भाजपा की सरकार है हमारे महिलाओं के ऊपर आए दिन उत्पीड़न हो रहा है, हमारे बेटियां, हमारे महिलाएं इतना शिकार हुई हैं भाजपा के सरकार में, उनके दुख दर्द को जानने वाला भाजपा सरकार से कोई मतलब नहीं है। इस सूबे के मुखिया में कान में थोड़ा भी भनक नहीं लग रहा है, जू नहीं रेंग रहा है कि हमारी पार्टी के भाजपा की महिला हो, चाहे बसपा की महिला हो, चाहे हमारी पार्टी की महिला हो, हमारे लिए सभी महिलाएं एक हैं। मैं सभी महिलाओं की आवाज़ बनकर आजमगढ़ में उठाई हूं कि इस भाजपा सरकार को फेंक के उठाना है, क्योंकि फेंक कर उखाड़ेंगे और सपा की सरकार को लाएंगे तभी महिलाओं का उत्पीड़न हमारे कम होगा। और आज ये आजमगढ़ महिलाएं ने दिखाया है, पूरे प्रदेश में भाजपा के खिलाफ हम महिलाएं आंदोलन करेंगे। सरोजनी नायडू जी एक ऐसी महिला थी कि जो स्वतंत्रता का संग्राम का जो स्वतंत्रता का लड़ाई हुआ था उसमें आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और जेल भरे जाने का काम किया है। इसलिए सरोजनी नायडू जी को मैं बहुत नमन करती हूं। हमारे बीच आदरणीय हवलदार यादव जी के आजमगढ़ जिले के अतरौलिया गांव से निकलकर दिल्ली शहर में अपनी मेहनत के बल पर बुलंदियों तक पहुंचने वाले उद्योगपति नरेंद्र कुमार उपाध्याय ने कहा कि उनके बड़े भाई की प्रेरणावश आशीर्वाद से हमें यह मुकाम मिला है। नरेंद्र कुमार उपाध्याय अपने बड़े भाई के निधन पर त्रियोदासाह संस्कार करने अपने गांव पहुंचे थे। वहां उन्होंने बड़े भाई की श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर मीडिया से बातचीत में बताया कि वह बड़े भाई के आदर्शों पर चलना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पिता के जाने से के बाद उन्हें इस लायक बनाया। नरेंद्र कुमार उपाध्याय वर्तमान में बिमल कंपनी के MD हैं तथा ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष भी हैं। वह दिल्ली में आम आदमी पार्टी से जुड़कर समाज सेवा से जुड़े तभी से समाज की अनवरत सेवा में लगे हैं। उन्होंने अपने भाई के निधन को अपूर्णनीय क्षति बताया और बताया कि वह उनके बताए रास्ते पर चलकर हमेशा समाज की सेवा करते रहेंगे। बता दें कि विगत दिनों लंबी बीमारी के कारण महेंद्र प्रसाद उपाध्याय का निधन हो गया। वह बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अरोला ब्लॉक में स्थित जगौना गांव के मूल निवासी थे। इन्हीं के छोटे भाई नरेंद्र उपाध्याय इस दिल्ली में विमल कंपनी के MD हैं। वह कई समाजसेवी संगठनों से जुड़े रहकर समाज सेवा करते हैं, साथ ही गाँव में भी उनका काफ़ी लगाव है। क्या कुछ कहा नरेंद्र उपाध्याय MD विमल कंपनी के, आपको सुनवाते हैं। साथियों, आज मेरे बड़े भाई श्री महेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है, 13वीं है, और एक फरवरी को देहांत हुआ है। जिंदगी में माता पिता के बाद अगर मैं कुछ भी किया हूँ तो उसमें मेरे भाई का मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरे परिवार को प्यार दिया, ताकत दिया, अपनी ड्यूटी निभाया, पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधने का काम किया। दुर्भाग्य है पिछले 2-3 साल से उनको एक बीमारी थी, MND बीमारी, मोटर न्यूरॉन डिजीज। काफ़ी दिनों से इलाज चल रहा था, दिल्ली का इलाज चल रहा था, गंगाराम, BL कपूर मैदान था,
लेकिन दुर्भाग्यवश 1 फरवरी को नहीं रहे हमारे बीच में। हमारी ज़िंदगी में यह अपूर्ण क्षति है, शायद इसकी भरपाई करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अब हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग सीनियर लोगों के सहयोग से, परिवार के सहयोग से प्रयास करूंगा कि मैं अपने भाई के अधूरे काम को पूरा करूं और समाज को एक साथ लेकर चल चलूं, परिवार को संभाल सकूं। प्रभु ऐसी शक्ति दें और इससे ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में हूँ नहीं। आपके भाई का कोई अगर पुरानी बातें हों जिनको आप पूरा करना चाहते हैं तो? मेरे भाई का मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, मेरे माता पिता के बाद इस पृथ्वी पर अगर सबसे बड़ा योगदान मुझे ही बनाने में है तो मेरे भाई का योगदान है, ये बहुत बड़ा है। और उनके जो भी काम रहे हैं, जो भी आदेश रहा है, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य धर्म है, मैं उस रास्ते पर अवश्य चलूँगा। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी यादें हैं, उसको शेयर करूँगा तो शायद हमारा परिवार भावुक हो जाएगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि उनकी कमी की भरपाई करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इस विषम परिस्थितियों में बस उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, प्रयास करूँगा कि उनके बताए हुए मार्गदर्शन, जो मार्ग हैं, जो रास्ते हैं, उसको मैं न छोड़ूँ, परिवार की सेवा कर पाऊँ, समाज में सबको लेकर चल पाऊँ, यही हमारी कामना है। और उनको विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा हूँ कि मेरे भ्राता श्री जहाँ भी हों, उनका आशीर्वाद हम सब पर, हमारे पूरे परिवार पर बना रहे, और उनके आदेश का, उनके पदचिन्हों पर मैं चलूँगा, उनके हर आदेश का, उनके। इस खबर के प्रायोजक हैं आजमगढ़ पब्लिक स्कूल। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल ने कोरोना के चलते इस बार भी नहीं बढ़ाई फीस। यही नहीं, एक साथ पूरी फीस जमा करने पर आपको मिलेगी 5% की छूट, और एक ही माँ बाप के 2 से ज्यादा बच्चे इस स्कूल में हैं तो बड़े बच्चे को फीस भी मिलेगी आपको अतिरिक्त छूट। बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर 95% अंक लाने वाले बच्चों को 11वीं के दाखिले में 25% की छूट मिलेगी। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल शानदार बोर्ड रिजल्ट के साथ कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो फिर देर क्यों? अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में दाखिला कराएं और दें अपने बच्चों को एक नई उड़ान। हमारा पता है, निकट कोटिला, शंकरपुर चेक पोस्ट, आजमगढ़। आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के मुड़ीलपुर गांव में आज भारत कोकिला सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर महिला घेरा कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें गोपालपुर विधायक नफीस अहमद भाजपा सरकार में ने कहा कि भाजपा सरकार ने महिला पर हो रहे अत्याचार, इसमें महिला सुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ बेलगाम अपराध, बलात्कार, महंगाई में घर चलाने की समस्या, महंगा सिलेंडर, सपा के समय में महिला हेल्पलाइन 181, महिला पावर लाइन 1090 की भाजपा सरकार में दुर्दशा, महिला स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, 100 बार प्रसूति सेवाओं की कमी, पोषण की समस्या, घरेलू हिंसा आदि तमाम समस्याएं को रखते हुए बताने का काम किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शशिकला सिंह और संचालन डॉक्टर हरिराम यादव ने किया। इस मौके पर खिलाड़ी प्रसाद राजभर, उपाध्यक्ष गोपालपुर विधानसभा चंद्रिका निषाद, पिछड़ा प्रकोष्ठ अध्यक्ष गोपालपुर सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ वीआईपी क्षेत्र माना जाता है, जहां के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सांसद हैं, तो इस जिले के अगल बगल जनपदों में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। इसके बाद भी जनपद निवासी सड़कों की दुर्दशा पर आंसू बहाने को मजबूर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता भले ही सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की है, लेकिन उनके तमाम निर्देशों के बावजूद जिले के लोक निर्माण विभाग को इसकी कोई सूझ नहीं है। जिला मुख्यालय से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां तमाम प्रमुख मार्ग गड्ढों में तब्दील है, तो वही मोहम्मदपुर से बिंद्रा बाजार तथा बिंद्रा बाजार से मीनागढ़ तथा लहबरिया से खालिसपुर सड़कों की बदहाली तक दूर करने की परवाह PWD अधिकारियों को नहीं है, जबकि सड़क में गड्ढा पाए जाने पर सरकार ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी तक दे रखी है। तब भी जिला मुख्यालय तक की सड़कों के गड्ढे दूर करने को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने इसे ठीक करना नहीं चाहते हैं। प्रतिदिन स्थानीय नागरिकों व यात्रियों को मिलकर लगभग 1 लाख व्यक्ति सड़कों में बने गड्ढे से जूझ रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की बेफिक्री जस की तस बनी है। वहीं लगभग 6 माह पूर्व आजमगढ़ के मंडल कमिश्नर ने बिंद्रा बाजार, मोहम्मदपुर, बिंद्रा बाजार मार्ग का निरीक्षण भी किया था और एक सप्ताह के बीच रिपोर्ट प्रेषित करने को कहा था, लेकिन मामला जस का तस रहा। तो वही 8 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी
आदित्यनाथ भी आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बनने का जायजा लेने आए थे, लेकिन लगता है कि उनके आने का भी कोई असर नहीं है। आपको बता दें कि मोहम्मदपुर से बिंद्रा बाजार व बिंद्रा बाजार से मेहनगर मार्ग इसका प्रमाण है, जबकि मुख्यमंत्री का आदेश है और शासन की भी मंशा साफ है कि प्रदेश की सभी सड़कें चकाचक हो, लोग सड़कों पर निकले तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसी मकसद से सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए सरकार ने हिदायत भी दे रखी है, लेकिन विडंबना यह है कि इसके बावजूद आजमगढ़ शहर में छलनी हो चुकी तमाम सड़कों की सूद PWD के अफसरों को नहीं है, जिसका खामियाजा हर दिन लाखों से ज़्यादा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। मोहम्मदपुर से बिंद्रा बाजार और बिंद्रा बाजार से मेहनगर सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हैं, इसका कोई देखनहार भी नहीं है। बार बार प्रशासनिक अधिकारी का ध्यान आकर्षित कराने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। महाराजगंज जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के सिंदुरिया कस्बे में आज पुलवामा हमले में शहीद जवानों की याद में सिंदुरिया क्लब के द्वारा 51 मीटर का तिरंगा यात्रा आयोजित किया गया था। इस तिरंगे यात्रा को पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा यात्रा में विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राओं समेत स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा को नगर के विभिन्न मार्गों पर निकाला गया। तिरंगा यात्रा के दौरान आज़ादी के धुन बजते रहे और स्कूली बच्चे समेत स्थानीय नागरिकों ने तिरंगा झंडा अपने हाथों में लेकर नगर भ्रमण करते रहे। तिरंगा यात्रा निकालने वाले स्थानीय लोगों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले में जिले के पंकज त्रिपाठी भी इस हमले में शहीद हुए थे, जिसके याद में आज तिरंगा यात्रा निकाला गया है और शहीद पंकज त्रिपाठी उन सभी को गर्व है। क्या कुछ कहा स्थानीय समाज सेविकों ने आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। आज सिंदुरिया क्लब के तत्वाधान में हम लोग सिंदुरिया यात्रा निकाला गया, तिरंगा यात्रा जिसमें 51 मीटर लंबा हम लोग तिरंगा यात्रा सिंदुरिया चौराहे पे पिपरा कल्याण रोड से हम लोग पूरे चौराहे पे निकाला गया। क्योंकि कल के डेट में पुलवामा अटैक हुआ था, जो हमारे जिले के पंकज त्रिपाठी जी जो शहीद हुए थे उनके श्रद्धांजलि में हम लोग इसको अर्पित कर रहे हैं। हमारे पूरे सिंदुरिया क्लब की टीम सोनू गुप्ता, सुधीर मद्देसिया, सोनू जायसवाल, प्रदीप मिश्रा, सारे लोग का सहयोग रहा, पूरी टीम की सहयोग रही, पूरी प्रशासन की सहयोग रही यहाँ पे, जबकि हमारे लगभग पूरे सिंदुरिया गांव की जनता, अगल बगल की जो क्षेत्र की जनता हम लोग के साथ रही, सहयोग रहा उनका। उसके साथ साथ हमारे आदर्श शिशु ज्ञान मंदिर के बच्चे, सीताराम इंटरमीडिएट कॉलेज के बच्चे और सुनीता देवी इंटर कॉलेज के बच्चे, इनका सारा सहयोग रहा हम लोग के इस कार्यक्रम में। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा जो कार्यक्रम हम लोग का मेन उद्देश्य था, गरीबों असहायों का मदद करना, इस पुलवामा क्या कहते हैं कार्यक्रम का मेन उद्देश्य रहा। जी आज 13 फरवरी को हमारे सिंदुरिया ग्राम सभा में 51 मीटर का तिरंगा यात्रा रखा गया, जिसमें हमारे सभी गांव के विशिष्ट जनों, आप सभी पत्रकार महोदय, हमारे प्रशासनिक, हमारे विद्यालय के स्टाफ, हमारे विद्यालय के सभी, हमारे 3 विद्यालय के बच्चे शामिल हुए, सभी लोगों का बहुत ही योगदान रहा। और तिरंगा यात्रा का मतलब ये रहा कि हम कल ही के डेट में 14 फरवरी को पुलवामा में हमारे शहीद हुए हमारे ही गांव के, हमारे ही महाराज के महाराजगंज जिले के गांव के पंकज त्रिपाठी जी के शहादत को हम लोग आज नमन किए हैं, उनको आज सच्ची श्रद्धांजलि दी गई आज 13 फरवरी को पंकज त्रिपाठी यात्रा के माध्यम से अमर रहे। आजमगढ़ में राज्य विद्युत परिषद प्रावधिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के आवाहन पर नेहरू हॉल में क्षेत्रीय द्वितीय महाधिवेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आजमगढ़ मंडल के सभी कर्मचारी व अधिकारी शामिल थे। कार्यक्रम के आयोजक ने बताया कि यह कार्यक्रम कर्मचारियों की एकता के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम में से लोगों में काफ़ी उत्साह है। कार्यक्रम में प्रबुद्धारायण प्रेमी मोहम्मद कलीम कुरैसी, ब्रजेश त्रिपाठी इंजीनियर, RR सिंह इंजीनियर, PP सिंह सहित भारी संख्या में कर्मचारी नेता मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। आज सुनाते हैं कि कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहा कर्मचारी नेता ने। लोगों ने यहाँ बैठक बुलाई है, क्या ये हमारे संगठन राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ का दूसरा क्षेत्रीय महाधिवेशन है। इसके संदर्भ में हमारे तमाम आजमगढ़ और मऊ गलिया के TG2 साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये उत्साह का दिन है, उस उत्साह के साथ हम लोग अपना अधिवेशन कर रहे हैं। क्या है इसमें पूरा? इसमें तमाम जितने TG2 आए हैं वो सब इकट्ठा हुए हैं आजमगढ़ मऊ गलिया के। इसके मुख्य अतिथि हैं PP सिंह साहब, जो डायरेक्टर टेक्निकल हैं, बनारस से अभी आने वाले हैं। विशिष्ट अतिथि चीफ साहब हैं, मुख्य अभियंता RR सिंह साहब, कलीम कुरैसी जी हैं CPF ट्रस्टी हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी हैं ब्रजेश त्रिपाठी जी हैं, सब लोग। इस अधिवेशन का क्या उद्देश्य? ये एकता का है, हम लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, अपना खुशी मनाते हैं, यही अधिवेशन का है।